जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीबीपी नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे, क्योंकि हाल ही में आईटीबीपी ने कॉन्स्टेबल किचन सर्विस के लिए वैकेंसी जो है, नोटिस जो है जारी कर दिया है, रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों, कितना पोस्ट रहेगा उसमें, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, आज के वीडियो में सब कुछ डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले बता दूं, इस पोस्ट के लिए टोटल 819 वैकेंसी आई हुई है। एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है 10 पास होने चाहिए कैंडिडेट ने, साथ ही उसने NSQF लेवल 1 का कोर्स कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए फूड प्रोडक्शन एंड किचन में। एंड साथ ही कैंडिडेट का जो एज लिमिट है वो 18 से 25 इयर्स होना चाहिए। एंड जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस फॉर्म को आप 1 अक्टूबर तक भर सकते हो। एंड दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करने का जो फीस है वो OBC EWS जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 100 रुपीस है। एंड जो SC ST एक सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट है उन सभी के लिए फीस फ्री है। एंड दोस्तों, आप सभी को बता दूं, 1 अक्टूबर तक लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने का, तो जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो दोस्तों चलिए, अब थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सर्विस का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 फेज में होने वाला है। फेज 1 PET एंड PST होने वाला है, जो कि PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें सबसे पहले मेल कैंडिडेट का जो रनिंग होगा, उसमें रनिंग उनका 1600 मीटर होगा, जिसके लिए उन्हें 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड इवेंट उनका लॉन्ग जंप होगा, जो कि 11 फीट का होगा, जिसके लिए उन्हें 3 चांस दिए जाएंगे। थर्ड इवेंट उनका हाई जंप होगा, जो 3.5 फीट का होगा, जिसके लिए उन्हें 3 चांस दिए जाएंगे। वही फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 800 मीटर का होगा, जिसके लिए उन्हें 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। सेकेंड इवेंट उनका लॉन्ग जंप होगा, जो 9 फीट का होगा, उसके लिए उन्हें 3 चांस दिए जाएंगे। एंड थर्ड इवेंट उनका हाई जंप होगा, जो कि 3 फीट का होगा, उसके लिए उन्हें 3 चांस दिए जाएंगे। तो दोस्तों, फेज 1 में नेट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहले हाइट मेजरमेंट होगा। हाइट जनरल EWS OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का 165 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए। वही ST कैटेगरी एंड यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले मेल कैंडिडेट का हाइट 160 सेंटीमीटर होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 148 सेंटीमीटर होने चाहिए। वही नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वाले ST कैटेगरी के कैंडिडेट जो है, उनमें मेल कैंडिडेट का जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 147 सेंटीमीटर होने चाहिए। वही गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट का जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होने चाहिए, उनमें फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होने चाहिए। लास्ट, जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट है, उनमें मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होने चाहिए, एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उनका हाइट 150 सेंटीमीटर होने चाहिए। लास्ट, जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट है, उनमें मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होने चाहिए, एंड फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होने चाहिए। एंड दोस्तों, नेक्स्ट केस मेजरमेंट की अगर बात करें तो ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई होता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं। एंड मेल कैंडिडेट में हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए केस जो है वो 75 सेंटीमीटर होने चाहिए, एंड एक्सपैंड करके 80 सेंटीमीटर तक होने चाहिए। एंड दोस्तों, नेक्स्ट वेट मेजरमेंट की अगर बात करूं तो वेट दोस्तों आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट फेज 2 में आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपसे जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 15 मार्क्स मिलेगा। एंड नेक्स्ट आपसे जनरल मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 10 मार्क्स रहेगा।
नेक्स्ट आपसे रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए 15 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए 10 मार्क्स रहेगा, यानी टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेगा। इसके लिए आपको एक घंटे का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट लगेगा रिटन टेस्ट का, एंड जितने भी बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फेज 3 में आपका डिटेल मेडिकल टेस्ट होगा एंड मेडिकली फिट कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट लगेगा, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। उसके बाद आप सब आईटीबीपी में कांस्टेबल बन जाओगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड में और एक बार आपको बता दूं, इस फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो है 1 अक्टूबर। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरिए एंड अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। एंड दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें लक्ष्य इंडियन आर्मी चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस हमेशा देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।